नमस्कार, मैं मीनाक्षी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपको क्रेजी किचन में। होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घर पे ही होली खेलिए और खुश रहिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसा। एक बेसिक समोसा है, इसमें मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में समोसा बना के दिखाया है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में एक कप मैदा ले लिया है। आप चाहे तो गेहूं का आटा और मैदा मिक्स करके भी ले सकते हैं। अभी हम इसमें एक पिंच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बदले में आप चाहे तो काले जीरा या फिर कलौंजी भी यूज़ कर सकते हैं। एक चौथाई चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। 3 चम्मच तेल डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे रिफाइंड तेल यूज़ किया हुआ है, आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारे चीज़ को हाथ में अच्छे से मिला लेते हैं मैदे के साथ, जैसे ये मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट ऐसे मसलने के बाद ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने के बाद आप एक बार ऐसे मुट्ठी में ले लेते हैं मैदा, तो एकदम मुट्ठी में लड्डू जैसा रह जाता है। इसका मतलब मैदा हमारा गूंदने के लिए तैयार है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक टाइट आटा लगा के तैयार करेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। समोसा के लिए जो आटा हम बनाते हैं वो पूरी से भी थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड रहता है और हमें ऐसे ही आटा चाहिए। अगर आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो समोसा जब हम तलेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स आते हैं और खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। अब ये आटा बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसको ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रेस्ट होने देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद ये आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद हम उसका समोसा बनाएंगे। जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है तब तक हम समोसा के लिए स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन गरम होने रख दिया है। पैन अभी हमारा गरम हो गया है, गैस के फ्लेम को हमने मीडियम में रखा है। अभी हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, जो भी तेल आपको पसंद है। तेल गर्म हो गई है, अभी हम इसमें एक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देते हैं, एक पिंच हींग डाल देते हैं। अभी हम एक बड़े साइज़ के प्याज को फाइनली सर्व करके डाल देते हैं और ये सारे चीज़ को अच्छे से भून लेते हैं जब तक प्याज थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप चाहे तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अदरक लहसुन यूज़ नहीं कर रही हूँ। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब ये सारी चीज़ को अच्छे से मिला लेते हैं। ड्राई मसाले को हमें बस 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। अब ये मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ गाजर डाल देते हैं। गाजर यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। अभी हम इसमें 1/4 कप हरी मटर डाल देते हैं। मेरे पास फ्रोजन है तो मैं फ्रोजन वाला यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। मसाले के साथ अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा सा पका लेते हैं जब तक ये वेजिटेबल्स थोड़ा सा कुक ना हो जाए। गाजर और मटर भी अच्छे से भुन गई है। अभी हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल के रखे थे उसको मैश करके डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे तरतरा मैश किया है, बहुत ज़्यादा फाइन मैश नहीं किया हुआ है। आलू को भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेते हैं। ये आलू को अभी हम मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेते हैं, जब तक जो भी थोड़ा मॉइस्चर होगा मसाले में वो जैसे ड्राई हो जाएगा। क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो समोसा अच्छा नहीं बनेगा, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए हमें मसाले को एकदम ड्राई रखना है। ये मसाला बनके तैयार हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको साइड में रखते हैं। मसाला एक बार ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट हो गया है, ये डो अच्छे से सेट हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं और इसको बोर्ड पे ले आते हैं। ये डो को बोर्ड में अच्छे से रोल कर लेते हैं। रोल करने के बाद हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। आपको अगर बड़े बड़े समोसा चाहिए तो आप बड़े बड़े लोई बनाइए, अगर छोटे छोटे चाहिए तो छोटे छोटे बनाइए। मुझे छोटे छोटे समोसा बनाना था इसलिए मैं छोटे छोटे लोई में तोड़ लिया है। अभी ये सारे लोई को ऐसे गोल गोल कर लेते हैं और इसको एक बर्तन में रख लेते हैं।
ये सारे लोइयाँ बन के रेडी हो गया है। अभी हम इसमें से एक लोया लेते हैं, थोड़ा सा सूखा मैदा डाल के इसको पूरी जैसा बना देते हैं। अगर आपको बड़े बड़े समोसा बनाना है तो आप इसको रोटी के साइज़ में बेल लीजिए। रोटी से थोड़ा सा मोटा रहेगा लेकिन साइज़ रोटी जैसा बनाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा छोटा समोसा चाहिए तो आप पूरी के शेप में बना सकते हैं। सेम प्रोसेस में हमें बाकी के सारे पूरियाँ बना के रेडी करके रख लेना है। ये मैंने सारे पूरियाँ बना के तैयार करके रख दिए हैं। अब हम इसको साइड में रखते हैं। इसमें से एक पूरी लेते हैं, एक पूरी को ऐसे बीच में से ऐसे दो भाग में कट करते हैं। एक भाग को हम साइड में रखते हैं और एक भाग में हम समोसा बनाते हैं। एक पूरी से हमें दो समोसा बनाना है। ये पूरी का एक भाग ले लेते हैं और इसका आधे में हमें पानी लगाना है और ऐसे ही जिस साइड से पानी लगा है दूसरे साइड को उसके ऊपर फोल्ड करके चिपका देना है। ये कोन बनके तैयार है। इसको कॉर्नर में अच्छे से सील कर देते हैं जैसे कि मसाला जो है वो बाहर ना आ जाए। अभी हम इसमें जो मसाले बना के रखे थे आलू के उसको अच्छे से भर देते हैं और ऐसे ही स्पून में दबाते हैं। जैसे ही अच्छे से फील हो जाएगा, जितना मसाला आपको भरना है आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। स्पून में थोड़ा सा दबा दीजिए और साइड में थोड़ा थोड़ा पानी लगाइए और इसको एक साइड से हम ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड को ऐसे ही चिपका देंगे जैसे ही ये समोसा दोनों साइड से अच्छे से सील हो जाए। बस ये अच्छे से सील हो गया है। इस सेम प्रोसेस में हम बाकी के सारे समोसा बना के तैयार कर लेना है। एक दूसरा समोसा मैं बना के आपको दिखाती हूँ। वैसे ही कोन बना लेना है, एक साइड में पानी डाल के दूसरे साइड को उसके ऊपर चिपका देना है और जो कॉर्नर है उसको भी अच्छे से हाथ में सील कर लेना है। ये कोन बन गए, अब इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भरने के बाद बस चारों तरफ से पानी थोड़ा सा लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद दोनों साइड को हमें अच्छे से सील कर लेना है। अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं तो फोल्ड करिए या फिर ऐसे ही कर दीजिए। ये समोसा बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसको फ्राई करते हैं। समोसा फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम में ही रखा है। मीडियम फ्लेम में पहले तेल को गरम कर लेते हैं। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हल्का गर्म ही चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो समोसा जैसे ही तलेंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाता है। हल्के गर्म तेल में हमें समोसा को डाल देना है। एक बार में जितना समोसा आपके कढ़ाई में आ जाए उतना डाल दीजिए। आप ये समोसा को बना के तैयार करके ऐसे ही बाहर रख सकते हैं 2-3 घंटे के लिए। जब भी आपके कोई गेस्ट आए आप इसको फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो आप इस होली पे इस समोसा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। 2-3 मिनट हो गया है, अभी हम इसके ऊपर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा तेल डाल देते हैं और इसको पलट लेते हैं। 2 मिनट तक हम बिल्कुल नहीं पलटना है, 2 मिनट के बाद हम इसको पलट लेते हैं। एक बार दोनों साइड से दो मिनट हो जाए उसके बाद हम गैस को मीडियम फ्लेम में कर देंगे और ऐसे ही उलट पुलट करते हुए समोसा को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें कुक कर लेना है। बीच बीच में हमें ये समोसा को पलटते रहना है, नहीं तो समोसा एक साइड से ज़्यादा कुक हो जाता है। समोसा तलने के लिए हमें 5 से 6 मिनट लग जाता है। ये समोसा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हमें ये समोसा को बाहर निकाल लेना है और एक प्लेट में रख लेते हैं। बाकी सेम प्रोसेस में हमें सारे समोसा बना के तैयार कर लेना है। ये समोसा को हम गर्मा गर्म कोई भी चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप ये समोसा के रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। एक बार फिर से आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आप सबको ये समोसा की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक में शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।